लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस सहित देश के प्रमुख विपक्षी दल इंडिया नाम के गठबंधन के साथ अब एनडीए को टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया बनाकर परसेप्शन की लड़ाई में एनडीए बनाम इंडिया होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता अब इंडिया पर हमलावर हैं, इंडिया शब्द को लेकर टीकी टिप्पणी कर रहे हैं। हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने 2024 चुनाव को देखते हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को सामने रखते हुए ही हमला बोला, और जिस तरह से उन्होंने हमला बोला उस पर अब कटाक्ष भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के इंडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि नाम बदल लेने से आपका खेल नहीं बदल जाता, ये इंडिया बनाम इंडिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ के जवाब में अब कांग्रेस भी हमलावर है और विपक्ष भी सवाल कर रहा है, और विपक्ष आईना दिखाते हुए कह रहा है कि एक थे श्री अजय सिंह बिष्ट, फिर वो हो गए योगी आदित्यनाथ। बोलता हिंदुस्तान पर, मैं हूँ आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। नाम बदलने से मूल स्वभाव नहीं बदल जाता, ये ज्ञान वो मुख्यमंत्री दे रहे हैं जिसने इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगलसराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला, मुंडेरा बाजार को चौरा चौरी कर दिया। एक एक करके विपक्ष के इंडिया गठबंधन की काट खोजी जा रही है, तथ्य और मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो नाम में ही कमी निकाली जा रही है। विरोध के लिए विरोध करना लाजमी है, इसलिए इंडिया से भी अब परहेज होने लगा है। इंडिया की कमियां बताई जा रही हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, टीम इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम भी क्या बदले जाएंगे? क्या अब यहां से भी इंडिया को हटाकर भारत जोड़ा जाएगा? आखिर योगी आदित्यनाथ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हर वो स्कीम जो मोदी सरकार लेकर आई, जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसके नाम में इंडिया है, उसे भी अब योगी आदित्यनाथ बदलने जा रहे हैं? अब जब पूरी की पूरी मोदी सरकार, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री इंडिया शब्द के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इंडिया शब्द से परहेज करने लगे हैं, तब तो अब जल्द ही ये भी सुनने में आ जाएगा कि देश के भीतर स्थिति यह है कि केंद्र सरकार की तमाम स्कीमों से इंडिया शब्द को ही हटा दिया गया, या जितने भी संस्थान हैं जिनमें इंडिया शब्द लगा है उन तमाम संस्थानों से इंडिया शब्द को ही हटाने की कोशिश में अब बीजेपी लग जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खुद बीजेपी की मोदी सरकार की योजनाओं के नाम भी क्या बदले जाएंगे? स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फेम इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं का नाम अब क्या चुनावी रैलियों में लेना प्रधानमंत्री मोदी बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें भी इंडिया शब्द है? और कहीं इस इंडिया शब्द के दोहराने से विपक्ष का प्रचार ना हो जाए, इसलिए अब इन योजनाओं की उपलब्धि और इन योजनाओं के बारे में देश की जनता को मोदी सरकार नहीं बताएगी, कोई विज्ञापन इन योजनाओं के बारे में नहीं देगी, क्या ये मान लिया जाए? या कम से कम जिस राज्य के मुख्यमंत्री इंडिया शब्द का विरोध कर रहे हैं, वो अपने राज्य में तो इंडिया शब्द का परहेज करते हुए केंद्र सरकार की उन तमाम स्कीमों के विज्ञापन पर रोक लगा देंगे जिसमें इंडिया शब्द है। खुद दिन रात गली मोहल्ले, चौक चौराहों, शहर और इमारतों का नाम बदलने वाली बीजेपी को इंडिया शब्द से एतराज होने लगा है। बीजेपी अब बता रही है कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। शायद ये बात बीजेपी को पहले समझ में आ गई होती तो नाम बदलने की सियासत पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते।